स्टिकमेंट रूम का शॉट लेना है। देखिए यहाँ पे हम वो लोग हैं जिन्होंने के एस मेन्स 2016 क्वालिफाई किया है। अब पिछले कुछ दिनों में पब्लिक में ये अफवाह हो रही है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ। वी रिस्पेक्ट द जुडिशरी, वी रिस्पेक्ट द कोर्ट प्रोसेस एंड वट एवर द डिसीजन विल कम ऑन 28th विल वेलकम इट। नंबर सेकेंड, हम वो लोग हैं जिन्होंने रात भर मेहनत करके लाइक क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचे ताकि हमें भी इंसाफ मिले। और कुछ बंदे जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उन्होंने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली ऑन स्क्रीन मार्किंग की। हमारे पास प्रूफ है, ये हम प्रूफ दिखाना चाहते हैं मीडिया को कि ये दिसंबर 2017 की नोटिफिकेशन है और हमारा एग्ज़ाम होता है अगस्त 2018 में। तो हम चाहते हैं कि पब्लिक हमारी आवाज़ सुने और हमारे साथ भी इंसाफ करे। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुनिस वाहिद है। आकाश गुप्ता। हाँ सर, जैसे इन्होंने मेरे फ्रेंड ने बताया, मैं भी इसी में फर्दर एड ऑन करूँगा। जो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो भी डेफरमेंट था, जो भी ये स्टे लेके आए हैं, इन्होंने पीएल फाइल किया, उनका हक क्या थी वो जुडिशरी में दे। जुडिशरी ने स्टे लाया, वो रिस्पेक्ट जुडिशरी एज वेल एज JKPSC। बट सर, इसमें मैं ये भी ऐड इसमें करना चाहूँगा, उनको उससे पहले कंट्रोलर JKPSC का इंटरव्यू देखना चाहिए था, चेयरमैन JKPSC का इंटरव्यू देखना चाहिए था, जिसमें उन्होंने एक एक चीज़ को बिलीव किया था ऑन स्क्रीन इवेल्युएशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसको ये कन्फ्यूज़ कर गया ऑन स्क्रीन मार्किंग को डिजिटल वैल्युएशन का। वहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है जो हमारी आंसर शीट को देख रहा है, ठीक है, और इसमें एरर ऑफ स्कोप ऑफ एरर कम है क्योंकि इसमें 20 मिस्टेक नहीं हो रही, ठीक है। इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं उसके बाद में ऑल्टर नहीं किया जा सकता जो कि मैनुअल इवेल्युएशन में स्कोप था। ये तो एक वेलकम रिफॉर्म है जिसका हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से एक कोई एक बंदा आता है, वो बोलता है कि आप यूथ को AK-47 उठाने पर वो मजबूर कर रहे हो। मैं बताना चाहूँगा, इस एग्ज़ाम को स्टे करके, आगे का फर्दर प्रोसेस को स्टे करके, आप इस स्टेट को आप कहाँ पे लेके जा रहे हो? आप हम उनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, वो इस क्वेश्चन का हमें जवाब दे कि आपने इन सबको, ये क्वालिफाइड कैंडिडेट है, आने वाले 300 KS ऑफिसर्स, फिर उसके बाद 2018 बैच के, और इन्हीं को देख के SI का भी अब नया शुरू हो गया, ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं स्टेट को? क्या ये स्टेट चलाएंगे जो बोलते हैं कऊ पे ऐसे दो आपको आंसर नहीं आता? इट इज़ वेरी डिसग्रेटफुल। तो हमें हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और थैंक यू।